पाकिस्तान में सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन हालात नहीं बदले। फर्क बस यही है कि पहले इमरान खान सत्ता में थे और शहबाज शरीफ विपक्ष की भूमिका में उन पर हमला कर रहे थे, और अब शहबाज शरीफ सत्ता में है और इमरान खान विपक्ष में। तब भी गृह युद्ध के हालात थे और अब भी गृह युद्ध के हालात हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज इस्लामाबाद में इमरान खान बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं। इससे पहले इमरान की पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर तो यहाँ तक है कि धरने से पहले इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सत्ता से हटने के बाद से इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। इतने दिनों से शहबाज सरकार इमरान की हर हरकत, हर बयान को सुनकर चुप थी, लेकिन अब लंबी चुप्पी के बाद सरकार इमरान खान को करारा जवाब देने की तैयारी में है। गृह मंत्री राणा सानाउल्लाह ने इमरान को साफ कह दिया है कि दम है तो इस्लामाबाद के रेड जोन में आके दिखाइए। दरअसल पहले शहबाज शरीफ को ये भरोसा नहीं था कि फौज उनका साथ देगी या नहीं। रविवार को होम मिनिस्टर राणा सानाउल्लाह ने कहा था कि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, हम काम कैसे करेंगे, लेकिन सेना का इशारा मिलते ही गृह मंत्री ने मंगलवार को कहा कि हमें खान जैसे आतंकियों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। जवाब में इमरान खान ने अपने समर्थकों से सरकार के हर हमले का उसी अंदाज में जवाब देने को कहा है। इमरान ने पीटीआई की यूथ विंग, जिसे अटैक ब्रिगेड भी कहा जाता है, उससे कहा कि अगर आपको रोका जाता है तो जरा भी ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ, हर मुश्किल से टकरा जाएं, नतीजा चाहे जो भी हो। अटैक ब्रिगेड का काम ही अटैक करना है, जो भी सामने आए उसे हटा दें, तरीका चाहे जो आजमाना पड़े, इसकी फिक्र मत कीजिए। बता दें कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तारीख इंसाफ मांग कर रही है कि शहबाज शरीफ के 13 पार्टियों की गठबंधन सरकार फौरन अपना इस्तीफा दे, फिलहाल केयरटेकर सरकार बने और जल्द से जल्द देश में चुनाव कराए जाएं। सत्ता जाने से बौखलाए इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिकी साजिश का जिक्र किया है। मंगलवार को अपनी पार्टी की यूथ विंग को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ था, इन चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और फौज सच के साथ खड़े होंगे। फौज अब ये नहीं कह सकती कि वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि हम जिहाद करने निकले हैं, सियासत तो बहुत दूर की बात है। इमरान की जिद, समर्थकों के तेवर और हालात को बिगड़ते देख अब तक कथित तौर पर इन मामलों में चुप रहने वाली फौज भी एक्शन में आ गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद इस्लामाबाद के ज्यादातर हिस्सों में फौज और रेंजर तैनात कर दिए गए हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।